हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल केज बिडिशन। गाइस आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। यूट्यूब चैनल बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इस टॉपिक में आज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग एक गलती कर सकते हैं जो गलती मेरे साथ हो गया, तो आप ना करें, इस कारण से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और वीडियो के बारे में कुछ कमेंट लिख देना ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरे वीडियो से क्या समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पता है मैं यूट्यूब पे अभी 3 साल हो गए। जी हाँ दोस्त, 3 साल, तो आप लोग समझ सकते हैं 3 साल में क्या क्या कर सकते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बट मैं ऐसे इंसान हूँ कि जहाँ के वहीं रह सकता हूँ, जहाँ के वहीं पे हूँ यार। आप समझ सकते हैं 3 साल में लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। अगर YouTube की बात करें तो 3 साल में आप 1 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट कर सकते हो, ये मानते हो कि नहीं। बट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि अभी तक 500 में लटक गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा YouTube चैनल 3 साल हो गए, बट अभी तक मेरे सब्सक्राइबर 500 से 600 के आसपास हैं। कितनी दुख की बात है ना दोस्त। तो मैं किस कारण से यहाँ तक लटक गया हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इस तरह से ना लटकें, आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, ग्रो होता है आपका चैनल। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है कि मेरा रीज़न नहीं था, बहुत इसको ज़्यादा था कि मतलब कि मुझे वीडियो बनाना है, बट मैं फोकस नहीं देता था कि किसी और काम से ध्यान लगाता था, इस तरह से मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पाया। एंड मैं वीडियो बनाने के लिए सोचता था बट वीडियो नहीं बना पाता था, आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, पर इस तरह से भी वीडियो नहीं बना पाया, इस कारण से भी वीडियो लटक गया एंड सॉरी मतलब कि चैनल लटक गया है। और मेरे पास कोई टॉपिक्स नहीं थे, मेन कारण है किस टॉपिक से वीडियो बनाऊं सोचता था बट बना नहीं पाता था, इस कारण से भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाया। 3 साल हो गए मेरा, अभी तक 500 से 600 आसपास है, अभी 1K भी कम्प्लीट नहीं हुआ। अभी सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी अब डेली वीडियो बनाकर 1K कम्प्लीट कर दूँ, ताकि जो भी झंझट है उसे फटाफट से निपटा दूँ, ताकि मेरा चैनल भी कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ तरक्की हो जाए। तो इस कारण से मेरा चैनल जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, और मेन कारण है कि अपने आप को मतलब कि मेंटेन करना है, खुद पे मेंटेन करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो आज से मैं अब मुझे मतलब कि बहुत पछता रहा हूँ, अब से मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, इस कारण से मैं अब डेली वीडियोस बनाऊंगा ताकि मेरा चैनल। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार मेरे साथ वाले भी बहुत ऊपर ऊपर उठ गए, बट मैं जहाँ के वहीं पे हूँ अभी तक 3 साल से। तो बस यही कारण है कि मेरे चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे प्लीज़ आप बिना गलती करें, मेरी तरह से आप लगातार वीडियोज बनाते रहें, जहाँ कुछ भी नहीं है ना तो कुछ ना कुछ बनाते रहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, या फिर कुछ टॉपिक्स ढूंढिए फटाफट एंड वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। बट वीडियोस बनाइए, रोज़ बनाइए, अगर रोज नहीं हो रहा तो एक वन डे गैप करिए एंड सेकंड डे बना के वीडियो अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास टॉपिक नहीं तो इस तरह से वीडियोज बना दे, ताकि आपके वीडियो भी वायरल हो जाए एंड आपका चैनल भी वायरल हो जाए। तो यही कारण है कि मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो प्लीज़ आप भी ऐसा गलती ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।